तो उसने कहा अच्छा आपके चक्कर नहीं, योर फादर्स नेम। उसने जब सवाल किया तो उसने कहा कि माय फादर नेम इज अल्लाह गिव। उसने कहा व्हाट काइंड ऑफ दिस नेम इज, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। तो उसने कहा नहीं, माय फादर नेम इज अल्लाह देता। Then he asked, "Then what's your name of your mother?" उसने कहा, "My mother name is respected woman." उसने कहा कि every mother is a respected one. What are you saying? You just tell me her name. उसने कहा कि this is a baby. Then उसने फिर नंबर उसने कहा, "Then I have 5 fingers on your face." Student पूछा इसके क्या मतलब है? उसने कहा लाख दिल। यूनिक सी बाइक के बारे में आगे एक और सवाल है, वो बताएंगे कि यूनिक सी बाइक की क्या कहानी है जो कि उनको मिलनी है। बेटा जी, यूनिक सी बाइक आइडिया तो मेरा ही है, मेरा आइडिया है। आज ये बैच पहना हुआ है, ये नहीं होता तो पाकिस्तान का बैच पहन के आता मैं। मैंने एक आइडिया दिया है, रोजाना कराची के अंदर ये कहते हैं डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई जबकि रूल फॉलो नहीं होता। मैंने एक आइडिया दिया, मैंने उनको ये कहा कि अगर जिस तरह गाड़ी के अंदर एक स्टपनी यानी कि एक टायर रख देते हैं, इसी तरह अगर मोटरसाइकिल का भी टायर उसके साथ पीछे जहाँ पे पीछे बंदा सवारी बैठती है वहां पे लगा दे तो इस इशू से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो जब भी वो वाला बाइक तैयार होगा तो इंशाल्लाह आपके घर वो बाइक आ जाएगा। वर्ल्ड कप भी है, हाँ वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप भी है। शुक्र है कि रीयूनियन 14 को होगी, 15 को होती तो मैं भी समझ ना आता मैं कहाँ जाऊं, मैं रीयूनियन में आऊं या मैं पाकिस्तान का मैच देखूं। तो ये अच्छा हो गया 1992 का वर्ल्ड कप भी जो था ना, उस फाइनल में आपको बताएंगे हमारे एक मुअज्जज मेहमान 1992 आज कराची शहर की कोई बात नहीं होगी जी, बात नहीं होगी कराची शहर की, बात नहीं होगी आज तो यूनिवर्सिटी ऑफ हिल्स की बात होगी। '92 का वर्ल्ड कप था 25 मार्च, मुझे अच्छी तरह याद है 25 मार्च थी 1992 थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स थी। ये आतिशबान था क्लासरूम में बैठा हुआ था और जो टीचर थे जाहिर है इंग्लिश कम्युनिकेशन होती थी, वो इंग्लिश में हमें समझाते थे, हम उनको समझते थे, उसको उर्दू में ट्रांसलेट अपने दिमाग में करते थे, फिर हम जब अपनी बात करते थे तो फिर ट्रांसलेट इंग्लिश में करके उनको बयान करते थे। जिस दिन वो फाइनल हुआ उस दिन हमारे टीचर ने गेट अपनी क्लासरूम के डोर पे खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेजी का कोई वर्ड यूज किया, मुझे अब याद नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था है कोई माइका लाल जो ये मार्कर ले और मुझको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बोर्ड पे समझा दे। तो ये आतिश गया, ये आतिश गया और इसने ये माइक वो मार्कर लिया और बोर्ड के ऊपर सारा एलिब्रेट कर दिया। उधर से ही ऐलान हो गया पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, उधर पाकिस्तान जीता, उधर एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स के मैदान में जीत गया। नीदरलैंड इज अ वेरी गुड टीम एंड आई थिंक दैट टाइम इज वेरी शॉर्ट, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट द ऑनरेरी अवार्डी chief guest of this 15-minute session. He is belong also, he also belongs to Pakistan, not Netherlands. But वो politics में आया और उन्होंने छक्के मार दिए। कप्तान खान का इस्तकबाल कीजिए तालियों।
और डीजे मत, अभी कुछ नहीं लगा। सुनो, मेरे कॉमसेट्स के पाकिस्तानियों और मेरे कॉमसेट्स के नौजवानों और मेरे कॉमसेट्स के एलुमनाई, आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। मुझे पहले ये नहीं पता था कि कॉमसेट्स के अंदर भी एक चिनार रोड है। ऐसा बात तो मैं पहले भी बहुत दफा आया। सो जब मैं ए ब्लॉक के आगे से गुजरा तो मैंने देखा चिनारे लगी हुई थी, उनके ऊपर माली पानी डाल रहे थे। मैं समझ गया इस इदारे ने बहुत आगे जाना है, इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तानियों, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन 22 अक्टूबर 2011। 22 अक्टूबर वो 2011 वो दिन है जिस दिन कॉमसेट्स की पहली रियूनियन हुई थी और हम लोग यहां पे इकट्ठे हुए थे। आज एक बार फिर 14 मार्च 2015 ये बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत मुबारक पेश करता हूं उन ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन स्टाफ वालों को, उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को जिन्होंने इस बारे में सोचा कि एलुमनाइज को इकट्ठा किया जाए, उनके मिसाल को सामने रखा जाए और उनके मिसाल का हल किया जाए और एक गेट टुगेदर हो। रियूनियन क्यों मनाई जाती है मेरे पाकिस्तानियों? सुनो, बच्ची चेयर हिला रही है। रियूनियन इसलिए मनाई जाती है ताकि गेट टुगेदरिंग हो जाए, पुरानी यादें ताजा हो जाए, पुराने चेहरे दोबारा आमने सामने हो जाए और पुरानी बीती यादें जो कि स्टूडेंट लाइफ की होती थी, एडमिशंस से लेके फाइनल डिग्री तक स्टूडेंट अफेयर्स का ही मेन रोल होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो यहां से जा रहा हूं लेकिन स्टूडेंट अफेयर्स की बात लेकर थैंक यू सो मच। किसी भी महफिल की जान हुआ करती है, चाहे महफिल पके के पीके के रुबाब नवी आओ चाहे महफिल सिर्फ महफिल भी। बिल्कुल, इस मकसद के लिए मैं स्टेज पे दावा देना चाहूंगी हमारे कैंपस के निहायत ही टैलेंटेड स्टूडेंट फैसल और इकराम को कि वो स्टेज पे आए और रुबाब की धुन से हमारे सामने को महसूस करें। Thank you.
Thank you.